भारत जोड़ने की बात करने वाली कांग्रेस की सोच दरअसल भारत तोड़ने की रही है। यही वजह रही है कि सालों तक जम्मू कश्मीर के लोग चाहकर भी भारत की मुख्य धारा का हिस्सा नहीं बन पाए। कश्मीर में धारा 370 लगाकर उसे देश से अलग रखने वाली कांग्रेस ही थी, और कांग्रेस अब भी चाहती है कि फिर से धारा 370 लागू हो जाए। धारा 370 यानी वो कानून जो कश्मीर को बाकी राज्यों से अलग करता था। धारा 370 हटने के पहले हम भारत के नागरिक होते हुए भी कश्मीर में संपत्ति खरीद नहीं सकते थे। भारत सरकार को कश्मीर में कानून बनाने का कोई अधिकार नहीं था। यानी कश्मीर भारत का हिस्सा तो था, लेकिन यहाँ भारत का नहीं बल्कि उनका अपना संविधान चलता था। साथ ही आर्टिकल 35A जो कश्मीर में सालों से रह रहे अनुसूचित जनजातियों, सफाई कर्मियों और बाहर से आए माइग्रेंट वर्कर्स को नागरिक अधिकारों से दूर करता था। अगर कोई महिला कश्मीर के बाहर शादी कर ले तो उसका प्रॉपर्टी में अधिकार खत्म हो जाता था। धारा 370 भारत को शेख अब्दुल्ला का तोहफा थी, जो विलय की शर्तों के साथ चस्पा कर दी गई थी। इसी का फायदा उठाकर सालों तक कश्मीर में आतंकवाद पनपता रहा। कश्मीर की सत्ता कुछ खास लोगों के हाथ में रही और करोड़ों के पैकेज का कोई फायदा आम आदमी तक नहीं पहुंचा। देश भर के लोग सालों से धारा 370 हटाने की मांग कर रहे थे ताकि कश्मीर भारत का अभिन्न अंग बन सके, लेकिन कांग्रेस हमेशा से इसके खिलाफ थी। जनता के दबाव में यूपीए सरकार ने धारा 370 पर एक एक्सपर्ट पैनल भी बनाया, जिसने धारा 370 ना हटाने की रिकमेंडेशन दी, यानी जो कांग्रेस हमेशा से चाहती थी। कश्मीर से धारा 370 हटाना बीजेपी के घोषणा पत्र का अहम मुद्दा था, और 5 अगस्त 2019 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये कर दिखाया। कश्मीर में पहली बार निष्पक्ष पंचायत चुनाव हुए, लेकिन ये सब भारत तोड़ो का एजेंडा रखने वाली कांग्रेस को हजम नहीं हो रहा। 2019 से कांग्रेस कश्मीरियों की आवाज का हवाला देकर फिर से धारा 370 लगाने की मांग कर रही है। अब जाने वो कौन से कश्मीरी हैं जो अलगाव चाहते हैं, क्योंकि आम आदमी तो इस फैसले से बेहद खुश है और मुख्य धारा में है।